सुबह के 8:30 बजे हैं। आसमान में छाए घने काले बादलों की तरह यहाँ जुटे इन लोगों की जिंदगी में भी किस्मत का अंधेरा है। आसपास के हर दूसरे घर में कोई ना कोई फिल्म स्टार रहता है। ये बैंड्रा है, मुंबई के तमाम पॉश इलाकों में से ये एक है। पास में ही रेखा रहती है और कुछ आगे जाएंगे तो शाहरुख खान का बंगला है मन्नत। लेकिन ये मजमा जो जुटा है, इनकी मन्नत इस इलाके के सिर्फ एक घर पर पूरी होती है, गैलेक्सी अपार्टमेंट। दिन भर यहाँ लोग इमारत पर लगे इस पत्थर के सामने खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं। ये घर सलमान खान का है, लेकिन अमर उजाला टीवी आज आपको जो कहानी दिखाने जा रहा है वो कहानी है इंसानियत की, इंसान बने रहने की, बीइंग ह्यूमन की। सड़क पर लगी ये लंबी कतार सलमान को देखने नहीं आई है। इन लोगों के चेहरे पर अगर आप ध्यान से नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा एक सुकून और एक भरोसा कि आज इनकी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक 8:30 बजे गैलेक्सी के दरवाजे खुलते हैं और सामने नजर आते हैं सलीम खान, सलमान खान के पिता और हिंदी सिनेमा की तमाम सुपरहिट फिल्मों के लेखक, साथ में एक डॉक्टर भी हैं। एक एक करके लाइन में खड़ा हर शख्स डॉक्टर के पास जाता है, उन्हें अपनी समस्या बताता है और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर साहब मरीज को अस्पताल रेफर कर देते हैं। साथ ही मरीज को जरूरत के मुताबिक राशि का चेक काट कर दिया जाता है। ये चेक मरीज के नाम पर नहीं बल्कि अस्पताल के नाम पर दिया जाता है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। यास्मिन, रिया दास, रिंकी मेवा, बाबूराव, ये सिलसिला आज का नहीं है, पिछले 11 साल से हर हफ्ते सोमवार से बृहस्पतिवार मुंबई शहर के शोर में चुपचाप जरूरतमंद लोगों का इलाज करा रहे सलीम खान कैमरे के सामने इस बारे में बात करने से कतराते हैं। बहुत पूछने पर वो कहते हैं किसी अच्छे काम का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। सलीम खान के भीतर इंदौर का वो बच्चा अब भी कुलाचे भरता है जो बाइक लेकर भोपाल तक मिनटों में चक्कर लगा आता था। वो बच्चा जिसके वालिद बंटवारे के वक्त पाकिस्तान गए और बस 3 दिन में लौट आए, ये कहते हुए कि मुझे अपने वतन में रहना है, अपने वतन के लोगों के साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है। बस अपने वालिद की ये बात सलीम खान अब तक निभा रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं। पुनीत सिंह, अमर उजाला टीवी, मुंबई।